भैया हद कर दी आपने, 3 लाख की ये लोहे की टोपी खरीदी, इसका क्या कीजिएगा आप? ये लोहे की टोपी नहीं, ये मेरी इज्जत की टोपी है, चौधरी की तो मैंने हेकड़ी निकाल दी। ये ठीक नहीं है भैया। क्या ठीक नहीं है? दौलत की जंग में तो सब जायज है। अरे भाई इसको समझा देना मेरे रास्ते से हट जाए, भाई और प्लॉट देखे, वरना धंधे में सब कुछ जायज है। चल जा। सब कुछ ठीक है। चौधरी के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ भाई, वो टेंडर खोलने की तारीख उन लोगों ने पोस्टपोन कर दी, इसलिए मैं जल्दी आ गया। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, पहले मैं हाथ मुंह तो धो लूँ, बाद में चाय बनाना। आशा कहाँ है? उसका तो आज प्ले है ना। अरे वही प्ले जिसके लिए उसने हमें इन्वाइट किया था। जाने मन, चला जाऊंगा, जरूर चला जाऊंगा, लेकिन अपना वादा तो पूरा करो। कौन सा वादा? पहले अपनी आंखें बंद करो, फिर बताऊंगा। आंखों से वादे का क्या संबंध? तुम करो तो सही। लो कर ली। क्या जोड़ी लग रही थी, एकदम रोमियो जूलियट जैसी। राज, डैडी, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं था। हीरो का एक्सीडेंट हो गया, मजबूरन राज को प्ले में शामिल किया गया। फिर उस कुत्ते का नाम लिया तुमने, कॉलेज में और कोई लड़का नहीं था? आप समझते क्यों नहीं डैडी, मजबूरी थी। मैं सब समझता हूँ, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। उस दिन जो तुमने ड्रामा किया था, तुम पर थोड़ा विश्वास जरूर था, मगर शक अपनी जगह कायम रहा। डैडी मैं उसकी सूरत देखना भी पसंद नहीं करती। ये डायलॉग स्टेज पर अच्छे लगते हैं, घर में नहीं। सच और झूठ की पहचान मुझे आती है, और याद रहे इस अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। पहली गलती माफ की जा सकती है, लेकिन दूसरी कभी नहीं। डैडी मगर तुम जा सकती हो। शारदा मेरी बंदूक ले आओ, उस चौधरी के बच्चे को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। कोई प्रॉब्लम है राज? कॉलेज के ड्रामे में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई ना? नहीं कोई गड़बड़ नहीं। किसी और से कोई अनबन? नहीं ऐसे कोई बात नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं कहाँ है तुम्हारा बेटा? आज उसके सर से इश्क का भूत उतार कर ही रहूंगा मैं। अरे क्यों पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है? क्या किया मेरे बेटे ने? क्या किया? कितने भोले बनते हो, आज मैं उसे जान से मार डालूंगा। अरे पहले बंदूक तो पकड़ना सी, बाद में चलाने की कोशिश करना। हाई। और सुन, अपने कबूतर के तरह पर काट कर रख। ये तुम्हें कल पता चलेगा, कल कॉलेज तो जाएगा ना तुम्हारा बेटा। कुछ पता चला? पता तो चला है, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों तक तुम लोग मुझे मेरे असली नाम से मत बुलाना। तो फिर किस नाम से बुलाए? हेलो रवि, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ आशा जी, आप कैसी हैं आशा जी? मैं ठीक हूँ। अरे आप सब लोग यहाँ खड़े, वॉलीबॉल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे? परसों हमारा मैच है। अच्छा रवि, ओके बाय बाय। आप नहीं खेलेंगे? मेरी जरा तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, God bless you।
क्या हुआ उस मजनू की औलाद का? सर आज वो मेरे डर से कॉलेज नहीं आया, लेकिन कल मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी हड्डियों का सूरमा बना दूंगा। जोरो, जरा संभल के, इतना जोर मत देना कि पुलिस केस हो जाए। ओके सर। नमस्ते जोरो जी। नमस्ते आशा जी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता? हाँ हाँ बैठिए ना। क्या लेंगे आप? मैं बस चाय लूंगा। हाय राजेश। आखिर मेरा कसूर क्या है? आपकी शान में मैंने कौन सी गुस्ताखी की है? तुझे लड़कियों से इश्क लाने का बहुत शौक है ना? आज मैं तेरा शौक पूरा करता हूँ। इश्क? इश्क तो मेरे बाप ने भी ले गया मेरे चाचा। आप बिना वजह मेरी दुलाकिया जा रहे हैं। आखिर बताइए बात क्या है? तू राजेश है ना? मैं नहीं, मेरे बाप, मैं राजेश नहीं हूँ। मैं तो कैलाशनाथ, बाप का नाम बद्रीनाथ, दादा का नाम केदारनाथ। तो राजेश कौन है? वही जो आशा जी के साथ बैठा है। क्या? अपने आप को बहुत बड़े पहलवान समझते हो? हाँ, एक कुत्ते का पिल्ला नहीं संभाल सके तुम? तुम कुछ काम के नहीं हो। शाद आओ, मेरी बंदूक लाओ। शहर का चप्पा चप्पा छान मारूंगा मैं आज। आज ये बंदूक पहली बार चलेगी। अब तीर चले, तलवार चले, मैंने हर निकलाई यार की। अब तीर चले, तलवार चले, मैंने हर निकलाई यार की। I love you, आशा। राज। डैडी। मेरी बात दोबारा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शक्ल इतनी बिगाड़ दूंगा कि तुम्हारा बाप चौधरी भी तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। याद रहे। बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे। हाँ, पिंजरे के साथ उड़ जाना चाहती हो तुम, मगर आज से तुम्हारे ड्रामे का क्लाइमैक्स खत्म हो गया है। उस कुत्ते के साथ कूले मटकाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो मेरी तरफ? जवाब दो। मगर तुम जवाब भी क्या दे सकती हो? नहीं तुम्हारे पास तुम्हारे ड्रामे का स्क्रिप्ट है, नहीं कसट, लेकिन मेरे पास जवाब है तुम्हारे ड्रामे का। दी एंड। कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। डैडी ऐसा जुल्म मत की। सुनो राजेश, राजेश जरा सुनो तो। आंटी, आंटी आशा कैसी है? वो इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आई? उस बेचारी को उसके डैडी ने कैद कर दिया है। आशा की हालत बहुत खराब है, यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। क्या आप मुझे उसे मिला सकती हैं? सिर्फ एक बार प्लीज। एक बार क्यों? मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा के लिए हो जाओ। कैसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम आशा को लेकर यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राजेश बाबू, सुबह सुबह इधर कैसे आना हुआ भाई? भाटिया साहब, अपनी गाड़ी ठीक हो गई? गाड़ी तो सब ठीक है, थोड़ा सा काम बाकी है। अभी अभी ट्राल लिया है, चाबी के बना देता हूँ। वो क्या था कि डैडी के जरूरी काम से कहीं जाना था,
तो कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। डेट आपका फोन। फोन? एक मिनट आया। हेलो, मैं भाटिया बोल रहा हूँ। दोनों की जोड़ी सलामत रहे। थैंक यू आंटी। देखो बेटा, रास्ते में जो भी पहला मंदिर मिले वहाँ शादी कर लेना। जरूर। मेरी दुआ तुम दोनों के साथ है, खुश रहो। बाय आंटी। कहाँ है आशा, कहाँ गई? सर मुझे कुछ पता नहीं। सोअर के बच्चे, तुझे कुछ पता नहीं? चाबी तेरे पास थी और कहता है कि तुझे कुछ पता नहीं, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। सर सुबह कब चाय दी थी, फिर उन्होंने निकला गर्म पानी मांगा, वापस आया तो कमरे में नहीं थी। वहाँ नहीं थी, वहाँ नहीं थी। मैं सब कुछ जानता हूँ, ये तेरी ही चाल है, तूने उसे भागने का मौका दिया है। सर मैं ऐसा कर सकता हूँ? सर के बच्चे, तुझे तो मैं बाद में गोली मारूंगा, पहले तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। भाग गई? मैंने कहा ना, मेरी बेटी को राजेश भगा ले गया। एक ही बात है। क्या मतलब? आप बताइए, आप चाहते क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी के किडनैपिंग के अपराध में उस पूरे खानदान को जेल के अंदर कर दिया जाए। कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। 532406। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बस आंटी का आशीर्वाद तो हमारे Oh my God, ये तो बहुत जख्मी हो गया। इसे अस्पताल ले चलते हैं। पता नहीं रास्ते में अस्पताल कहाँ मिलेगा, मगर इसे इस हाल में यहाँ नहीं छोड़ सकते, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। हाँ, चलो। आई भाई साहब। जानती हो अस्पताल में कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी, कितने सवाल जवाब होंगे, और कहीं ये पीछे वाले माँ से भगवान को प्यारे हो गए तो समझ लो अपना तो हो गया कल्याण। आशा जरा संभल कर बैठना, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। आप लोगों ने हमें क्यों रोका है? तेरे सवाल का जवाब हम नहीं, हमारे सवाल का जवाब तू देगा। बता वो कहाँ है? कौन? जिसे तूने गाड़ी में लिफ्ट दी थी। वो पीछे की सीट पर पड़ा है। कहाँ ले जा रहा था उसे? अस्पताल। ओए, तुझे इस आदमी ने कोई नक्शा दिया है क्या? नहीं मुन्ना, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। मैं जानता हूँ खजाने का नक्शा दिए बगैर ये साला मर नहीं सकता। खजाना? नक्शा? हमें कुछ नहीं पता। पता तो तुझे जरूर होगा, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर लौंडे। मैं कह रहा हूँ आपसे हमें कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? अभी मालूम हो जाएगा, जब तेरी हड्डियाँ जिस्म से बाहर आएंगी तो नक्शा भी अपने आप बाहर आ जाएगा। आप हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? हमारी तलाशी ले लीजिए। लेंगे, जरूर लेंगे। वाह वाह, इनके उस कमीने ने हमारे खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल दिया और बेइज्जती इनकी हो रही है। वाह, इनकी जबान को लगाम दीजिए वरना। खामोश खामोश, ये चिड़ियाघर नहीं पुलिस स्टेशन है, आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते क्या? एग्जैक्टली इंस्पेक्टर। आप खामोश रहिए। देखिए, किसी ने जरा भी बकवास की तो मैं सबको अंदर कर दूंगा। ये लीजिए, आप ये लीजिए और इस पर अपनी अपनी कंप्लेन लिख दीजिए। और एक बात याद रखिए, जैसे भी हमें लड़का और लड़की मिल जाएंगे हम आप लोगों को खबर कर देंगे। आप यहाँ आकर हमारा दिमाग मत चाटिए। नहीं,
आइला चल। हमारे पास तो नक्शा है नहीं, तुमने झूठ क्यों बोला? उस वक्त झूठ के सिवा कोई रास्ता नहीं था। बोलो मुझे जान से मार देते, मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन तुम्हें अगर वो हाथ भी लगाते। तुम्हारे हाथ से वही नक्शा तो नहीं है? शायद ही वही नक्शा है। फिर ये नक्शा उन्हें दे दो और यहाँ से चलो, वो बड़े खतरनाक लोग हैं। राज, क्या कहा तुमने? तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। राज, ये तुम क्या कर रहे हो? अब तुम देखते जाओ उनको मैं कैसे बंदर का नाच नचाता हूँ। हाँ? तुमने इतनी आसानी से उस लौंडे की बात मान ली? हाँ? मुझे लगता है वो मार के डर से झूठ बोल रहा था। सच और झूठ का फैसला तो खजाना मिलने के बाद ही होगा शेरनी। लेकिन राणा, 40% उस लौंडे को देने के बाद हमारे हाथ में क्या आएगा? वो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है छोटू, हम उसकी मोहब्बत का फायदा उठाएंगे। अरे भाई, इस मंदिर का पुजारी कहाँ है? हम दोनों को शादी करनी है। पंडित जी तो गांव में हैं, मुखिया के बेटे का लगन कराने। चलो अब यहाँ से चलते हैं, रास्ते में कोई दूसरा मंदिर मिल जाएगा। नहीं राणा, नक्शे के मुताबिक अब बहुत दूर तक कोई मंदिर नहीं, हम दोनों यहीं शादी करेंगे और जब तक पंडित नहीं आता हम उसका यहीं इंतजार करेंगे। चलो आज। अरे अरे अरे, अरे! ठीक है, मैं पुजारी को पकड़ कर यहीं लाता हूँ। शेरनी, तो इनका ख्याल रखना, और छोटू जी, जरा पास की बस्ती जाकर खाने का इंतजाम करो। ओके। राज, तुम वाकई यहाँ बैठकर पंडित का इंतजार करोगे? राज, तुम मेरी एक बात मानोगे? क्या? तुम्हें इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा, तुम आशा को लेके भाग जाओ। हाय भैया, हाय भैया, झुमके की चुप गई थी। 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 ऐसी चुपी चुलमी, ऐसी चुपी चुलमी, तेरी चुना मुकदमा न कोई अमीर। हाय भैया, हाय भैया, झुमके की चुप गई थी। हाय भैया, झुमके की चुप गई थी। क्या आराम दादी, अगर वो लोग नहीं मिले तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भाग कर जाएंगे कहाँ? जंगल का चप्पा चप्पा छान डालूंगा। तो यही है ये दो रोमियो एंड जूलियट, जो राणा के कब्जे से भागकर हमारा काम आसान कर दिया। पकड़ लो इन दोनों को। तुम बाइक, तू भी आ गया जंग के मैदान में, लेकिन तू शायद ये भूल गया कि राणा यानी मौत का आना। माइक को मौत का परवाह नहीं, बेईमानी के धंधे में भी उसूल होता है राणा, और तुम सब भूल गया। एयरपोर्ट पे आने वाला शेट्टी हमारा आदमी था और तुमने उसको ट्रैप किया। तू कौन सा दूध का धुला है? बॉब जब हमें धोखा देकर भाग गया तो सारा खजाना तू अकेले हड़प करना चाहता था। ना!
फायरिंग, वरना मैं अपने आपको गोली मार दूंगा। नहीं राज, ऐसा नहीं करना। ए माइक, अगर ये मर गया तो खजाने का नक्शा जो इसके दिमाग में है इसके साथ खत्म हो जाएगा। आशा, मैं जानता हूं तुम लोग मुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दोगे। तुम चाहते क्या हो? यह खून खराबा बंद करो और आपस में सुलह करो। क्या मतलब? राणा, कायदे से इस खजाने में माइक का भी हिस्सा होना चाहिए। He's right. हाँ, होना चाहिए। ठीक है, 35% तुम्हारा, 35 मेरा और 30 इसका। मुझे मंजूर है। ओके, डन। दूर दूर तक इस वीराने में कोई इंसान तक नजर नहीं आता। ये लाश कहां से आ गई? छोटू देख तो। शॉर्टकट में बताऊं या लॉन्ग कट में? शॉर्टकट में दोस्तों का दोस्त और लॉन्ग कट में दुश्मनों का दुश्मन। शरीफों के मोहल्ले में किशन और शैतानों की बस्ती में कंस, इसीलिए लोग मुझे केके कहते हैं। केके तोपची। तोपची नाम है मेरा। तू तोपची हो या बावरची, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तुम जिस खजाने की तलाश में जा रहे हो वो इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। साफ साफ बोलना क्या चाहता है? हिस्सा 100%। मैं से 5%। फर्ज करो हम ना दे तो ये लड़का बेचारा मुफ्त में मारा जाएगा और वो जो खजाने का सपना है वो सपना ही बन के रह जाएगा। ठीक है, मंजूर है। मेरी गोलियां खराब कर दी यार। चलो ठीक है, मेरे एक बात याद रखना, मुझे कभी चीट करने की कोशिश मत करना वरना घाटे में रहोगे। हाँ ठीक है ठीक है। गया बंद करना था। लो लो भाई अपना अपना सामान। घाटे ला जो सामान था बंद कर दो। अरे माइक रुक क्यों गया? चलो यार। अरे ए फिर रुक गया, अभी तो काफी उजाला है, कुछ देर और चल सकते हैं। चलो हम लोग काफी चल चुके हैं, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। जरा बाकी लोगों की शक्लें तो देखो। देख बे छोकरे, हम जिस मकसद के लिए निकले हैं ना उसमें किसी की शक्लें नहीं, वक्त का ध्यान रखना पड़ता है। मैं एक छोटी सी राय दूं? तुम फिर बीच में बोले, फिर बोले। अरे पहले सुन लो यार, भड़कना बाद में। ले यार देखो राज, आज चंद्र ग्रहण होने वाला है, तो इससे पहले हम लोग जितना भी पैदल चलने बेहतर होगा, क्योंकि बाद में तो अंधेरा होगा, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देगा, तो चलेंगे कहां से? क्या ख्याल? अरे अरे पहली बार सही बात बोली रे तूने। ठीक है तो चलो फिर। अब ये घोड़ा खच्चर है, गिराने से पहले बोलता नहीं है। यही हमारी मंजिल है। ए भाई क्या कुसुर कुसुर कर रहे हो?
यही वो किला है जिसमें खजाना छुपा है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ पर है ये तो बताओ। इतने बड़े किले में खजाने को हम कहाँ कहाँ तलाश करेंगे? नक्शे के मुताबिक किले के अंदर फैली हुई चट्टानों पर एक उगते हुए सूरज का निशान है, हमें उसे ढूंढना है। वही सूरज का निशान हमें खजाने तक पहुंचाएगा। अरे लेकिन ये अपना सूरज तो डूब रहा है, अंधेरा खा रहा है उसको, अब क्या करेंगे? मेरी राय ये है कि हम खजाना कल दिन की रोशनी में ढूंढे। नहीं, ये अंधेरा हमारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकता। करेक्ट, हम कुएं पे आके प्यासे वापस नहीं जाएंगे, ये खजाना हम आज ही ढूंढेंगे इसी वक्त। हमको मालूम था तुम हमको चीट करेगा, दारू पिला के हमें बेहोश करना मांगता था है? मगर माइक को धोखा देना इतना आसान नहीं है। ये बॉक्स मेरे हवाले कर दो क्विक। सारा खजाना अकेला यहाँ से नहीं लेके जा सकता, तुम्हें एक साथी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, तुमची गोली मत चलाओ। इस खजाने को लेकर यहाँ से कोई नहीं जा सकता माइक। ए चिकी, ये खिलौना नहीं खजाना है, खजाना है। मेरे पास टाइम नहीं है, तू मेरे साथ भाग चल, मैं तुझे शेर दूंगा, कम ऑन। लालच की जमीन पर दौलत की फसल कभी नहीं उगती। कैप, अगर किसी ने अपने पैरों को हरकत दी तो मेरे हाथ हरकत में आ जाएंगे और तुम्हारी खोपड़ियां अपनी जगह से खसक जाएंगी। राजेश, बक्सा उठाओ।
देखा, तेरा और मेरा फाइट में तीसरा फायदा उठा के ले गया। जंग तो अभी शुरू हुई है माइक, जीतेगा वही जो यहां से जिंदा जाएगा। राणा, माइक, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। क्या मतलब? मतलब ये कि इस वक्त तुम दोनों सीबीआई इंस्पेक्टर शेर खान के सामने खड़े हो। सीबीआई इंस्पेक्टर? मेरा नाम सुनने के बाद चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई? मैं अगर चाहता तो तुम लोगों को बहुत पहले गिरफ्तार कर सकता था, मगर मैं तुम्हें इस खजाने के साथ गिरफ्तार करना चाहता था। शाबाश पार्टनर, शाबाश। अब तुम सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। करेक्ट। शाबाश पार्टनर, शाबाश। आखिर दौलत की इस जंग में कानून की जीत हुई और इसकी लालच ने इसे मार दिया। I'm proud of you, my boy. जिस तरह तुमने अपनी जान पे खेलकर सरकारी खजाने की हिफाजत की है, अपना फर्ज निभाया, उसी तरह मुझे अपना फर्ज निभाना है। आपको कौन सा फर्ज निभाना है? तुम दोनों की शादी कराऊंगा ना, फिर इस तरह जंगल में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। अब तीर चले, मैंने धर ली कलाई।